तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग किरचॉफ्स लॉ डिस्कस किए थे। अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है ना। तो न्यूमेरिकल्स, करंट में न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो कुछ इजी जी क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे एक जो है 10 वोल्ट का बैटरी है, अगेन यहाँ पे एक 3 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे एक जो है 5 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि करंट क्वेश्चन दिया है कि 1 एम्पियर करंट है। हमको बताना है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड वी ए माइनस वी बी, दैट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो वही सिंपल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कहीं कोई जंक्शन है नहीं, तो हर जगह करंट क्या होगा? हर जगह करंट 1 एम्पियर ही होगा। तो वी ए स्टार्ट करेंगे, वी ए करंट के डायरेक्शन जाने पर माइनस आई आर करते हैं, तो माइनस आई इज 1, आर इज 2, फिर बड़े से छोटे जाने पर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। फिर करंट के डायरेक्शन करें, फिर माइनस आई आर किए, तो माइनस आई आर किए करेंगे तो माइनस 1 इंटू 3। फिर छोटे से बड़े पर गए तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। दैट इक्वल्स टू कहाँ पहुँच गए? वी बी पर पहुँच गए, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से वी ए -2, -10, -12, -3, -15, +5 क्या होगा? -10 इक्वल्स टू वी बी। सो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू कितना आ गया? 10 वोल्ट आ गया ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट समझने के लिए कि करंट के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब इस पे फिर हम लोग एक अगला क्वेश्चन करते हैं ना। थोड़ा हम तेजी से करेंगे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को, उसमें टाइम नहीं देंगे। टफ क्वेश्चन आएगा तब थोड़ा स्लो होंगे। तो आप क्या करिएगा, फटाफट स्क्रीन पहुंच करके नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम साइड में कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे क्या है कि एक ये अर्थिंग, इसको अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग का सिंबल है ये, जिसका पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। अर्थ का मतलब 0 वोल्ट। यहाँ 2 ओम रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, ये भी अर्थड है। ये 3 ओम रजिस्टर है, और यहाँ पे दिया है ये 5 ओम रजिस्टर है। इधर से 1-2 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, और क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ से जो है ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से मान लेते हैं कि दिया है क्वेश्चन में कि 3 एम्पियर करंट आ रहा है। हमको बताना है पोटेंशियल पॉइंट पी का, कि व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी का पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो इसको सॉल्व करिए, आप कैसे करेंगे अपने से ट्राई करिए 1 मिनट। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। और हमको ये भी बताना है, अच्छा ये देखिए, ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पे 3 एम्पियर दिया, तो आराम से पॉइंट पी का पोटेंशियल आ जाएगा। कैसे आएगा? यहाँ से स्टार्ट करिए सीधे यहीं से, ठीक है। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये कोई अर्थिंग यहाँ देने का जरूरत नहीं था, इसको मैं ऐसे मिटा सकते हैं। हमको 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, एंड चलिए इसको क्यू कर देते हैं, एंड ऑल्सो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट क्यू। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब इसका भी पोटेंशियल पता होगा हमको, ठीक है, तो फिर यहाँ पे अर्थ देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फॉर गिवन सर्किट फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू। फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, अगर पी का आ जाएगा तो क्यू का तो अपने आप ही आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए, इधर से 3 एम्पियर करंट आया, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट क्यू, चलिए लिख देते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से 3 एम्पियर करंट, यहाँ से 2 एम्पियर करंट, तो यहाँ से 3 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर, तो टोटल यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे 5 एम्पियर हो गया, क्योंकि जंक्शन पे जितना आता है उतना ही जंक्शन से जाता है, ठीक है। तो 5 एम्पियर, तो हम लोग देखिए 0 से शुरू करके 0, ठीक है, 0 करंट के अपोजिट जाने क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो प्लस आई आर, तो 2 इंटू 5 कहाँ पहुंच गए? बी पे पहुंच गए। सो पॉइंट पी का पोटेंशियल आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। उसी तरीके से जब पॉइंट पी से क्यू जाएंगे ना, तो क्या कहेंगे? वी पी, और करंट के अपोजिट जाने क्या करते हैं? प्लस करते हैं, प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9, और बड़े से छोटे जाने क्या करते हैं? माइनस करते हैं, कहाँ पहुंच गए? पॉइंट क्यू पे पहुंच गए, ठीक है। तो पी का पोटेंशियल है कितना? 10 वोल्ट। तो 10 प्लस 9 माइनस 10 इक्वल्स टू वी क्यू। सो वी क्यू कितना आ गया? वी क्यू कम्स आउट टू बी 9 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था ना।
यहाँ पे चार्जिंग देते तो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा मीन्स हमको क्या होता है, एक एक टाइप से क्या होता है कि हम दो एक्स्ट्रा पॉइंट दे देते, जबकि बिना इसके पोटेंशियल के दिए हमारा काम चल जाएगा। अगर यहाँ पे अर्थिंग देते तो फिर ये 3 एम्पियर नहीं होता, ठीक है, तब कुछ और करंट होता, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पर आराम से नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पॉज कर करके नोट करते रहिएगा। देखते हैं क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का है, सिंपल सा। उसमें हम देखते हैं कि ये एक रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर दिया हुआ है, ये 2 ओम रजिस्टर है, ये 12 वोल्ट बैटरी है, ठीक है, और ये 3 ओम रजिस्टर है, ठीक है, 2 ओम ये 4 ओम रजिस्टर है, और ये 6 वोल्ट बैटरी है। ये लूप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जानना चाह रहे हैं कि फाइंड करंट इन द सर्किट, फाइंड करंट इन द सर्किट। अभी सीरीज पैरेलल हमको कुछ नहीं पता, हम सिंपल कंसेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या कहेंगे, करंट को मान लेते हैं किसी डायरेक्शन में। अच्छा, करंट का कोई डायरेक्शन उल्टा भी मान लेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा प्लेट है तो इधर से ही करंट निकलेगा, ठीक है, और ये भी देगा, तो इसका मतलब दोनों का करंट का सेंस क्या होगा, दोनों बैटरी एक ही सेंस में करंट देंगे, तो जो हम लोग ले रहे हैं वो बिल्कुल सही ले रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, वी ए, ठीक है, ए से चले करंट के डायरेक्शन जाए, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस आई आर मतलब माइनस, माइनस टू आई, फिर यहाँ पर जाएंगे प्लस करेंगे छोटे से बड़े, फिर माइनस आई आर तो माइनस फोर आई, फिर छोटे से बड़े गए तो क्या किए, प्लस किए, कहाँ पहुँच गए, बी ए पे पहुँच गए, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। ये तरीका कहता है कि जैसे हम लोग जंगल में जाते हैं तो एक जगह झंडा गाड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि जहाँ पे चले थे अगर गलती से वहीं पे आ जाए तो पता चल जाए कि हम लोग यहीं चले थे, इसलिए झंडा गाड़ दिए। तो यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग, वी ए लिख देते हैं, वी ए का मतलब यहाँ झंडा गाड़ के चले, और जब फिर से यहीं आ गए तो यहाँ झंडा हम लोग उखाड़ दिए। समझ में आया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसको ऐसे भी कई लोग क्या करते हैं, समेशन बी इक्वल टू जीरो लिखते हैं किरचॉफ लॉ, मतलब ये देखिए ये समेशन क्या आया, जीरो ही ना आया, तो हम लोग क्या किए उसी को दूसरे तरीके से लिखे। तो इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस रहता है कि जहाँ से चले थे हम लोग वहीं पहुँच गए ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या आता है, 1218 इक्वल्स टू 6i, सो i कितना आ गया, 3 एम्पियर। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग जब आगे सीखेंगे तो फटाक से मन में देखते ही समझ जाएंगे कि दोनों क्या है, सेम करंट है तो हम लोग सीरीज टाइप का मान लेंगे, जब सीरीज पैरेलल देखेंगे तब बताएंगे। तो जब सेम करंट है तो सीरीज टाइप का मान लेंगे तो क्या होगा, 4 2 का 6, और एक ही सेंस में बैटरी है तो 12 6 का क्या हो गया 18, तो वोल्टेज हो गया 18 वोल्ट, रजिस्टर हो गया 6 ओम, तो करंट क्या आएगा 18/6, दैट इज 3 एम्पियर। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फटाफट हम लोग देखते हैं आंसर लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ये 4 ओम रजिस्टर है, ये 2 ओम रजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक बैटरी है आपका, ये 12 वोल्ट का है और ये है 6 वोल्ट का, ठीक है। हमको बताना है कि और कुछ थोड़ा सा इसमें कलाकारी कर दें, तो चलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ भी एक हम लोग एक यहाँ भी बैटरी लगा देते हैं और इसको भी कर देते हैं 12 वोल्ट का, इस बैटरी को भी 12 वोल्ट कर दिए। तो हम जानना चाहते हैं कि फाइंड करेंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड करेंट इन ईच रजिस्टर। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि आप लूप बना के घूमिए ना, ठीक है, लूप बना के घूमिए। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए से चले तो वी ए प्लस 12 ना, वी ए प्लस 12, ठीक है, वी ए प्लस 12, इसमें मान लेते हैं करंट कितना है, चलिए आई वन, ठीक है, तो वी ए प्लस 12 यहाँ से माइनस 4 i1, फिर यहाँ से गए तो माइनस 6, कहाँ पहुँच गए, फिर से ए पे आ गए तो वी ए हो गया। तो इसका मतलब कि आई वन का वैल्यू आ गया कितना, 6/4, 1.5 एम्पियर, ठीक है। अब जब हमको इसमें मान लीजिए रेजिस्टेंस इस रजिस्टर 2 ओम में निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ कितना है, आई टू है, ठीक है, तो इसमें आई टू है तो क्या कहेंगे, चलिए ए से ही चलते हैं, तो वी ए, क्योंकि ये ए और ये प्लस 6, वी ए प्लस 6, ठीक है। इस पे हम लोग कैसे घूमे थे, इसमें हम लोग क्लॉकवाइज घूमे थे,
और इसमें कैसे घूम रहे हैं, इसमें हम लोग इसमें भी क्लॉक की वाइज घूम रहे हैं, ठीक है। वी ए प्लस सिक्स, अब यहाँ पे करंट के अलॉन्ग जा रहे थे, यहाँ अपोजिट जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्लस टू आई टू, और यहाँ माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व क्यों, क्योंकि बड़े से हम लोग छोटे जा रहे हैं ना। सिंपल से क्वेश्चन है, बस तरीका सीखना है। अब फिर कहाँ आ गए, पॉइंट ए पे ही आ गए, देखिए यहाँ से यहाँ कंडक्टर, तो सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो अगेन कहाँ पहुँच गए हम लोग, वी ए पे पहुँच गए, तो वी ए भी ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी कितना है, टू आई टू प्लस टू सिक्स, तो आई टू कितना आ गया, आई टू आ गया थ्री एम्पियर, ठीक है। तो आई टू थ्री एम्पियर आ गया, और फिर हम लोग पूछें कि जरा यहाँ से करंट क्या होगा, तो क्या कहेंगे, आई इक्वल्स टू, कोई पूछे व्हाट इज करंट इन द मिडिल ब्रांच आई, तो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, क्योंकि जंक्शन पे जितना करंट आता है जंक्शन से उतना ही जाता है, तो आई वन आई टू एड होके आई, तो आई कितना आ जाएगा, 1.5 प्लस 3, दैट इज 4.5 एम्पियर, ठीक है। तो आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आपको क्या बताएंगे, आपको एक तरीका बताएंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक, हम मिटा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, केवल एक करंट के एलिमेंट को समझने के लिए, सर्किट के एलिमेंट को समझने के लिए, कि कैसे सर्किट के एलिमेंट को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ना। एक और चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो ये है 12 वोल्ट, ये 2 ओम रजिस्टर है, ये 6 वोल्ट है, ये भी 2 ओम रजिस्टर है, और चलिए ये 2 ओम रजिस्टर है। हमें जाना है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको जाना है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट है आई वन, यहाँ से करंट है आई टू, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा आई वन प्लस आई टू, ठीक है, ठीक। यहाँ आई वन मान ली, यहाँ आई टू मान ली, तो जंक्शन जितना आता है उतना ही जाता है। तो ऐसा करेंगे कि एक पॉइंट ए चूज करिए, यही ए है, तो सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एक बार ए से हम लोग इसमें घूमेंगे ना, एक बार ए से हम लोग इस लूप में घूमेंगे, फिर एक बार ए से इसे हम लोग इस लूप में घूमेंगे, दो इक्वेशन बनेगा, दो अननोन बनेगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए ऊपर वाले में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो वी ए, ठीक है, माइनस ट्वेल्व, क्यों माइनस ट्वेल्व, क्योंकि हम लोग बड़े से छोटे भी जा रहे हैं, प्लस टू आई वन, प्लस टू आई वन क्यों, क्योंकि करंट के अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जाने पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से जब जाएंगे तो करंट के अलोंग जाएंगे, तो करंट के अलोंग जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो माइनस टू आई टू, और छोटे से बड़े गए 6 वोल्ट में, तो प्लस 6, कहाँ पहुँच गए, वी ए जहाँ से चले थे वहीं पहुंच गए, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 12 माइनस 6 आएगा 6, और 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया पहला इक्वेशन, I1 माइनस I2 इक्वल टू 3, ठीक। एक इक्वेशन बन गया, एक दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दूसरा इक्वेशन कहां से, छोटे वाले लूप में। तो अब देखिए, इस पहले हम लोग ऐसे घूमे, अब हम लोग ऐसे घूमेंगे, एंटी क्लॉक वाइज ही घूमना है, तो चलिए फिर से वी ए, अब यहाँ देखिए बड़े से छोटे जाएंगे तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस किए थे क्योंकि लेफ्ट गए थे, यहाँ राइट जाएंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब करंट के अपोजिट जाएंगे तो यहाँ प्लस टू आई टू करेंगे, या कि माइनस यहाँ टू आई टू किए थे जब हम लोग अलोंग जा रहे थे, पास में आया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ फिर करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस क्या करेंगे, प्लस टू, प्लस टू आई वन प्लस आई टू, प्लस टू आई वन प्लस आई टू, क्योंकि इसमें करंट कितना है, आई वन प्लस आई टू, कहाँ पहुँच गए, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, वी इक्वल्स टू वी ए, वी ए, वी ए कैंसिल हो गया, ठीक है। राइट साइड चला जाएगा, टू से डिवाइड हो जाएगा, तो आई वन और प्लस आई वन आई टू, आई टू कितना, टू आई टू, तो यहाँ से आ जाएगा आई वन प्लस टू आई टू इक्वल्स टू, टू से डिवाइड कर देंगे, सिक्स बाई टू का वैल्यू कितना आता है, थ्री आता है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ऐसा करिए कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, या सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये आई वन आई वन कैंसिल हो जाएगा, थ्री आई टू का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, तो आई टू कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। आई टू जीरो आ गया, आई टू जीरो आ गया, तो आई वन का वैल्यू कितना आ गया, आई वन का वैल्यू थ्री एम्पियर आ गया, बस समझ में आया। इसका मतलब है कि इस नीचे वाले में कोई करंट जाएगा ही नहीं, बस समझ में आया। तो ये समझिए कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, दो तीन सिंपल सिंपल एग्जाम्पल जस्ट दिए
प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझने के लिए। यहाँ कोई सीरीज पैरेलल का हमें कोई नॉलेज नहीं है, मान लेते हैं हम कुछ नहीं जान रहे हैं सिंपल करंट के कंसेप्ट से, सिंपल बेसिक कंसेप्ट से कि डेल्टा वी इक्वल टू आई आर होता है, बैटरी में बड़े से छोटे, छोटे से बड़े क्या होता है, बस इन्हीं सब कंसेप्ट को समझते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम को हम आराम से किरचॉफ्स लॉ यूज करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ किरचॉफ्स कौन सा लॉ यूज किए, हम लोग किरचॉफ का जंक्शन लॉ भी यूज किए और किरचॉफ्स का लूप लॉ भी यूज किए, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जो है हम लोग जैसे कोई पूछता कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। चलिए अच्छा दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइप करते हैं, उसमें एक और तरीका आपको बताते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि सिंपल सा है, यहाँ पे थ्री रजिस्टर्स हैं इस टाइप से, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये है 4 ओम, ठीक है। 2 ओम 2 ओम और 4 ओम, ये है 12 वोल्ट, ये पॉइंट है 12 वोल्ट पे और ये पॉइंट है 6 वोल्ट पे, ठीक है। हमको बताना है कि जंक्शन का पोटेंशियल बताना है, हमें बताना है कि फाइंड पोटेंशियल ऑफ जंक्शन पॉइंट पी। इस सर्किट में ये तीनों एंड के पोटेंशियल में दिया हुआ है, हमें पूछ रहे हैं फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, फाइंड पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि जो वही तरीका, इसमें आई वन मान लिए, इसमें आई टू मान लिए, तो इसमें कितना आएगा, यहाँ आएगा आई वन प्लस आई टू। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, 12 वोल्ट से 6 पे पहुंचेंगे, फिर एक बार फिर 12 से 6 पे पहुंचेंगे, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार सीधे चलिए, सीधे चलेंगे तो क्या कहेंगे, 12 देखते जाइए, 12 माइनस 2 आई वन, ठीक है, फिर प्लस 4 आई टू, क्योंकि करंट के अलॉन्ग गए तो माइनस के करंट के अपोजिट गए तो प्लस करेंगे, कहाँ पहुँच गया, 12 पे पहुँच गए, तो 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, I1 इक्वल्स टू 2I2 आ गया, दाएं बाएं करके देख लीजिए, तो I1 इक्वल्स टू 2I2, एक इक्वेशन तो ये आ गया, ठीक। और एक बार के लिए 12 से 6 पे चले जाइए, तो देखिए फिर से क्या करेंगे, 12 माइनस 2I1, ठीक है, यहाँ पे माइनस 2I1 प्लस I2, क्योंकि इसमें करंट कितना है, I1 प्लस I2, कहाँ पहुँच गए हम लोग, 6 पे पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2I1 4I1 प्लस 2I2, तो 4I1 प्लस 2I2 का वैल्यू कितना हो गया, हम लोग ये इधर लेके चले आएंगे तो 6 हो गया, तो 2I1 प्लस I2 का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, और I1 कितना है, I1 तो खुद 2I2 है, तो 2I1 क्या हो जाएगा, 4I2, 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो 5I2 का वैल्यू क्या हो गया, 5I2 का वैल्यू 3 हो गया, तो I2 का वैल्यू क्या हो गया, 3/5 मतलब 0.6 एम्पियर। So, I2 आ गया 0.6 एम्पियर और I1 आ गया 1.2 एम्पियर, ठीक है। अब I1 आ गया, I2 आ गया, लेकिन हमें तो पोटेंशियल पॉइंट P का निकालना था, फिर क्या करेंगे, जहां मनो चलिए यहीं चले गए, तो क्या कहेंगे, देखिए 12 माइनस 2I1 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P आ गया, क्योंकि हमें तो P पे पहुंचना था, बस यहां से पॉइंट P पे पहुंच गए। अच्छा, 2I1 का वैल्यू होगा कितना, 2I1 का वैल्यू होगा 2.4, इसका ना 12 माइनस 2.4 सो पॉइंट आएगा 9.6 वोल्ट, I1 का वैल्यू उठा के कितना रख देंगे, 1.2 एम्पीयर रख देंगे, ठीक है। ये तो एक अप्रोच था किरचॉफ्स ला यूज करके, किरचॉफ्स क्या बोलेंगे, लूप तो है नहीं, मतलब जंक्शन ला यूज करके सिंपल जो करंट का कंसेप्ट होता है उसको यूज करके, ठीक है। इसी करने को एक दूसरा अप्रोच देखिए ना, उसको हम लोग बोलते हैं नोडल मेथड। तो आप ध्यान से सीखेंगे व्हाट इज नोडल मेथड, नोडल मेथड। तो नोडल मेथड क्या करता है, किरचॉफ्स का जो पहला लॉ है, क्या लॉ है पहला किरचॉफ्स का, व्हाट इज फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि नेट करंट एट ए जंक्शन इज जीरो। तो देखिए उसको हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान समझेंगे ना, इस डायग्राम इसको स्क्रीन पॉज करके सारे चीज़ों को नोट कर लेंगे, हम इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान समझेंगे वो क्या मेथड था, वो मेथड क्या कहता है, वो मेथड कहता है कि नोडल मेथड कहता है कि किसी जंक्शन को आप चूज करिए, उस जंक्शन पे टोटल करंट को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है, मतलब
कहेंगे कि वी अप्लाइड, बोलेंगे अप्लाइंग नोडल एट पॉइंट पी, मतलब कि समेशन ऑफ करेंट, समेशन ऑफ करेंट एट पॉइंट पी शुड बी जीरो, ऐसे वेक्टर टाइप का, वेक्टर तो है ना, स्केलर है समझने के लिए। कॉल हम ये मान लेंगे कि पॉइंट पी का पोटेंशियल 12 से भी ज़्यादा है, इस 12 से भी ज़्यादा है, 6 के से भी ज़्यादा है। हम मान लेंगे कि तीनों करेंट क्या हो रहे हैं, तीनों करेंट जा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीनों जाएं ही, लेकिन हम लोग मान लेंगे जा रहे हैं, तो अपने आप पी का वैल्यू ऐसा आएगा कि अपने आप क्या होगा कि अगर दो जाएगा तो तीसरा अपने आप आएगा, देखते हैं क्या आएगा। तो बताइए तो आई क्या होता है, डेल्टा वी बाई, तो मतलब समेशन ऑफ डेल्टा वी बाई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस जंक्शन से जितने करंट हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों का टोटल करंट क्या होता है, जीरो होता है। अपने आप दो प्लस होगा तो माइनस आएगा, उसमें टेंशन लेने में बात नहीं है। तो देखिए क्या आया, इसका मतलब क्या आया, वी पी, अब देखिए यहाँ यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वी माइनस 12। हम लोग ये मान रहे हैं कि ये लेफ्ट, इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो वी पी माइनस 12, देखिए यही डेल्टा वी, वी पी माइनस 12 बाई कितना रेजिस्टेंस है 2 प्लस, अब ध्यान से देखती है यहाँ से यहाँ कितना है, फिर वी पी माइनस 12 बाई कितना 4, क्यों क्यों हम लोग करंट राइट साइड माने, इसलिए इसका मतलब पी का पोटेंशियल 12 से ज़्यादा है तभी जा रहा होगा, ठीक है। अब इधर देखिए प्लस अगेन वी पी, यहाँ 6, तो क्या कहेंगे वी पी मतलब पी का पोटेंशियल माइनस 6 वोल्ट बाई कितना रेजिस्टेंस है 2, क्योंकि करंट क्या होता है डेल्टा वी बाई आर होता है, दैट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से।